अगर आप लोग भी मेरी तरह एक छोटे से यूट्यूबर हैं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आप लोगों को कौन सा माइक कौन सा रिकॉर्डर इस्तेमाल करना चाहिए, तो जनाब ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं बताऊंगा कि आप लोग इसमें से कौन सा माइक कौन सा ऑडियो रिकॉर्डर यूज कर सकते हो। सबसे पहला माइक जो इस वक्त आप मेरी आवाज सुन रहे हो वो इस माइक की है, लेकिन ये वाला माइक मैं आपको सबसे एंड पे बताऊंगा क्योंकि सबसे बेस्ट है। लेकिन ये एक अलग ऑडियो रिकॉर्डर है, ये एक माइक नहीं है, ये एक अलग से मेरी आवाज रिकॉर्ड कर रहा है और बाद में सॉफ्टवेयर में जाके मैं इसकी आवाज कैमरे की आवाज और इसकी आवाज से सिंक्रोनाइज कर दूंगा, जिससे मेरी ये वाली डिवाइस की ऑडियो इस्तेमाल होगी जो इस वक्त आप लोग सुन रहे हो। लेकिन इसका क्या है कि आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में जाके। लेकिन अगर आप लोग इसको सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते, आप लोग कैमरे पे ही सीधा सीधा माइक लगाना चाहते हो, आप अपनी आवाज बेहतर करना चाहते हो, आप लोग क्या करो, बोया के ये वाले माइक्स ले लो, MYW8 प्रो, ये वाला ट्रांसमीटर जाएगा आपके पास, ये वाला ट्रांसमीटर जाएगा आपके किसी भी मेहमान के पास, और ये रिसीवर जाएगा आपके कैमरे के ऊपर माउंट होके, और इससे क्या होगा कि यह हम दोनों की आवाज़ यहाँ से रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन अगर आप लोग अपने कैमरे में ही सिर्फ अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, आपका कोई मेहमान नहीं है साथ, तो आप लोग क्या करो, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर लो, इसको जेब में डालो और यहाँ से कॉलर माइक के जरिए इसको इस्तेमाल कर लो। लेकिन इसका क्या है कि आपको इसकी बैटरीज अच्छी वाली इस्तेमाल करनी होगी, उससे क्या होगा कि आपका ये माइक खराब नहीं होगा, मतलब ये अच्छा परफॉर्म करेगा, आधे रास्ते में आपका माइक बंद नहीं हो जाएगा। अब बारी आती है पॉडकास्ट की। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप लोग सिंपली जाके ये वाले USB माइक्स खरीद लो, ये बहुत अच्छे माइक्स हैं, लेकिन थोड़े सस्ते में। इससे अच्छे वाले अगर जाओगे तो ज्यादा महंगे होते जाते हैं। ये रोड का USB माइक है, इसका पूरा मॉडल है NT USB मिनी। इसकी प्राइस ये लिखी हुई है आज के हिसाब से, शायद एक हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद डॉलर जब ऊपर जाएगा तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी कंट्री में कौन सी जगह पे हो, ठीक है। ये मैंने दो खरीद लिए, अगर मैंने पॉडकास्ट शुरू करनी है तो अपने दो मेहमान बैठा के इनको मैं कनेक्ट करूंगा अपने लैपटॉप के साथ, वहां पे अडोब ऑडिशन या इसी का सॉफ्टवेयर है जो उसके साथ मैं इसकी ऑडियोज रिकॉर्ड कर लूंगा, और अलग से जाके मैं अडोब प्रीमियर प्रो में या किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज कर दूंगा। तो बेसिकली ये जो ऑडियो रिकॉर्ड करता है ये एज अ ऑडियो रिकॉर्डर इस्तेमाल होता है। तो जनाब अगर आप लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो ये इसका छोटा सा सेटअप आप लोग लगा सकते हैं। ये USB माइक्स हैं, लैपटॉप के अंदर मैंने दोनों माइक्स लगा दिए हैं इन केबल्स के जरिए। उसके बाद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है रोड कनेक्ट का, उसके बाद दोनों माइक्स आप लोगों के ऑन हो जाते हैं। इस वक्त जो आप लोग ऑडियो सुन रहे हैं वो है जनाब हमारे इस वाले माइक की, तो हम दूसरा माइक भी साथ ही टेस्ट करते हैं। अच्छा उसमें भाई हमें बताएं कि हम लोग मोबाइल फोन से पैसे कैसे कमा सकते हैं। सिंपल है यार, अपना मोबाइल फोन ही बेच दो। और अगर आपके पास फोन है तो ये वाला माइक आपके लिए बेस्ट है। ये मैंने चाइना से मंगवाया था, 3,000 से 4,000 रुपए का मिला था मुझे। इसका फायदा ये है कि आप लोग अगर अपने कैमरे से दूर भी जाते हो तो तब भी ये आपकी आवाज अच्छी तरह से रिकॉर्ड करेगा, आपकी बैकग्राउंड जो नॉइज आ रही होगी वो भी आपकी अच्छी तरह से रिकॉर्ड करेगा। अब आ रही आती है इस वाले रिकॉर्डर पे। अगर आप लोग मेरी तरह एक छोटे से यूट्यूबर और सिर्फ अपनी ही वीडियोस करते हो या कहीं भी जाते हो और अगर आपको 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की भी आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाती है, तो ये वाला रिकॉर्डर इज बेस्ट। ये आपको किसी भी कैमरा शॉप से मिल जाएगा। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसकी बैटरी जल्दी खत्म नहीं होती, इसकी स्पेस जल्दी खत्म नहीं होती। मैंने इसको 3 घंटे तक भी टेस्ट किया, 3 घंटे तक भी ये रिकॉर्डिंग अपनी बेहतरीन करता है। लेकिन ये एक ऑडियो रिकॉर्डर है, इसकी अलग से ऑडियो रिकॉर्ड होती है, बाद में जाके आपको सॉफ्टवेयर पे अपने कैमरे से और अपनी इस रिकॉर्डिंग से सिंक्रोनाइज करना होता है। इसके साथ आपको ये कॉलर माइक, ये वाला कॉलर माइक नहीं मिलता, आपको एक अच्छे वाला 300-400 रुपए का कॉलर माइक मिल जाएगा। आप लोग जाके इसको खरीद सकते हो और इस डिवाइस के साथ अटैच कर सकते हो। इसका फायदा सिर्फ आपको ये है कि आप कैमरे से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर भी चले जाओ तब भी आपकी वीडियो में ये एक क्लियर परफेक्ट अमेजिंग आवाज आएगी। ऐसे लगेगा कि आप लोग बिल्कुल पास ही और आपकी आवाज भी क्लियर है और बैकग्राउंड नॉइज भी नहीं आएगा, बेहतरीन है। तो अगर आप लोग ट्रैवलर भी हो तो आपके लिए ये बेस्ट है। आप लोग ट्रैवल करते हो अपनी ऑडियो लगा के भूल जाओ, इसको इस जगह से फोल्ड ना होने देना, ध्यान रखना, और ये आपकी ऑडियो अच्छे तरीके से कैप्चर करेगा, आप इसका रिजल्ट भी सुन सकते हैं। मैं तो इससे बेहतरीन सेटिस्फाई, उसने कभी भी धोखा नहीं दिया मुझे। तो अगर आप लोग एक छोटे से यूट्यूबर हो तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड यही करूंगा, अगर आपके पास कैमरा है या मोबाइल है तब भी आप लोग इसी पे ही इन्वेस्ट करो। ये ऑडियो रिकॉर्डर सबसे बेस्ट है, इसमें नॉइज भी बहुत कम आती है। तो जनाब एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपके काम आया होगा। पॉडकास्ट शुरू करनी है ये ले लो, अपनी वीडियोस बनानी है ये ले लो, लेकिन अगर आप लोग सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते, कैमरे पे ही सारी अपनी ऑडियोज रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो ये बोया का माइक चुप करके ले लो। ये बेस्ट है आईफोन के लिए या अपने एंड्रॉइड फोन के लिए, ये बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, आपकी कन्फ्यूजन खत्म हो गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको आती है ज़्यादा पसंद तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तक लिया।